हेलो एवरीवन, दिस इज अशोका एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कॉल फोटो फैक्ट्री। मित्रों, मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है वो JCECEB के थ्रू होता है, यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। और उसका एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुए थे और उसका रिजल्ट भी आ चुके हैं। और अभी जो है इस सेशन के लिए 2022 सेशन के लिए एडमिशन चालू है, तो फर्स्ट काउंसलिंग हो चुका है और बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को एडमिशन मिल चुका है। वो लोगों को काउंसलिंग में, उनका फर्स्ट काउंसलिंग में उनका नाम आया था और उसके बाद उनको जो है सीधे यूनिवर्सिटी में जा करके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जा करके आपको वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के आपको एडमिशन ले लेना है। तो जिनको भी यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग होता है, इसलिए आप जिसका नहीं हुआ है वो अभी घबराएं नहीं और उनका मौका, उनको भी मौका मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का सवाल आया है मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कि सर जो है हम फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नाम आया है लेकिन गलती से जो है मुझे मेरे रैंक के वाइज मुझे एग्रीकल्चर मिल जाता लेकिन फिर भी मुझे फॉरेस्ट्री मिला या हॉर्टिकल्चर मिला, तो क्या मैं इसको सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपग्रेड करा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपके रैंक के हिसाब से अगर आपको मौका मिलता है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड करिए और वहाँ पर अगर आपको सीट मिलता है अपग्रेड करने का, तो आपको अपग्रेड करने का चांसेस आपके पास है। तो आप कतई ऐसा ना सोचे कि मैं फर्स्ट राउंड में एडमिशन ना लेके सेकेंड राउंड का इंतज़ार करूँगा, वैसा कभी मत करिए। आपको करना क्या है कि फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन ले लेना है, उसके बाद आपको जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड करना है। अगर उसमें आपको मिलता है तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका नाम आया है और आपको यूनिवर्सिटी में जा करके आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर आप ले लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ही आपका, मान लीजिए अपग्रेड कराते हैं, अपग्रेड होता है, तो उस समय आप क्या करना है, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि जैसे कि मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए और एडमिशन ले लिए, तो क्या मैं वहाँ से विदड्रॉल करा सकता हूँ? अगर मेरा नीट में हो जाता है, मेडिकल में हो जाता है या कहीं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में हो जाते हैं, तो क्या मैं विदड्रॉल करा सकता हूँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? जी हाँ बिल्कुल, आप बेहिजक अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने सारे कागजात को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप जो है किसी भी समय आप विदड्रॉ करा सकते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोगों का ये पूछना रहता है कि भैया या सर जो है हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फ़ीस क्या रहता है? तो मित्रों, यहाँ का फीस बहुत ही कम रहता है, जो सेमेस्टर फ़ी लगता है वो बहुत ही कम लगता है और वो भी एक प्रकार से रिफंडेबल है। झारखंड का ई कल्याण के थ्रू आपको वो फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाता है। और तो फ़ी मोटा मोटी हर एक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉरेस्ट्री की अगर बात करूँ, तो वहाँ पर भी सेमेस्टर में 5-7 हज़ार रुपया जनरल कैटेगरी को, मैक्सिमम 7-8 हज़ार रुपया में आपका काम हो जाता है। उसके बाद इसी प्रकार से एग्रीकल्चर वगैरह या दूसरे डिपार्टमेंट में भी इसी तरीके का फ़ी है, फ़ी काफ़ी कम है। और खाने का, मेस का, सब कुछ मिला करके आपको महीने का कई लोग 1200-1500 से लेकर के 2500 तक में अपना महीना गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको कांके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में BSc फॉरेस्ट्री के लिए कांके अगर नहीं मिला है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सर जो है दूसरे जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे मान लीजिए गढ़वा एग्रीकल्चर कॉलेज, तो वहाँ पर का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, वहाँ का पढ़ाई कैसा रहेगा? देखिए, पढ़ाई लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर रहता है क्योंकि नए और पुराने कॉलेजेस में थोड़ा सा इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग का मैक्सिमम चीज़ें यहीं से होगा, बिरसा कांके से, तो इसलिए घबराएं नहीं। डिग्री इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आप किसी भी, कहीं भी रह करके, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में रह के आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, जिनको नहीं मिला है, फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है, वो अपना इंतज़ार करें और सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपको कहीं दूसरे कॉलेजेस, बाहर के स्टेट्स के कॉलेजेस मिलते हैं, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए आपको नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही मैं बात करता हूँ, और काउंसलिंग का इंतज़ार करिए और अपना नामांकन कराइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो चैनल में बने रहें। बाय बाय।